हाय गाइस, तो अभी रिसेंटली इंडिया से हमारे कुछ फ्रेंड्स आए थे जिनको हमने दुबई में अपने नए घर पे इफ्तार के लिए इनवाइट करा था और हमने उसकी कुछ पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी थी। तो आप में से काफी सारे लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम एक वीडियो बनाएं जिसमें हम बताएं कि हम रमजान में क्या क्या करते हैं और दुबई में रमजान कैसे मनाया जाता है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि रमजान के टाइम पे यहाँ पे क्या क्या होता है और साथ में ही हमारे ब्लॉग्स पे काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि अगर मैं दुबई घूमने के लिए आ रहा हूँ तो क्या दुबई में क्या क्या रमजान के टाइम पे खुला होगा, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस ब्लॉग में देंगे और साथ में ही आपको दिखाएंगे कुछ स्पेशल रमजान मार्केट्स जो सिर्फ और सिर्फ इसी टाइम पे दुबई में लगती हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। तो गाइज, हमने अपने फ्रेंड्स को अपने घर इफ्तार पे इनवाइट किया था बिकॉज रमज़ान में ये बहुत ही कॉमन है कि लोग एक दूसरे को अपने घर पर इफ्तार के लिए बुलाते हैं और साथ में मिलकर रोज़ा खोलते हैं जिससे कि प्यार और भाईचारा और बढ़ता है। तो हमने इफ्तार की तैयारी सुबह से ही शुरू कर दी थी। तो हमने एक दिन पहले मेन्यू डिसाइड कर लिया था और उसके हिसाब से सारी चीज़ें ग्रोसरी से ऑर्डर कर दी थी। मैंने बनाए ब्रेड रोल्स जिसके लिए मैंने स्टफिंग पहले से ही रेडी कर ली थी, आलू और उसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स डाल के। और रोज़े की वजह से हम नमक मिर्च कुछ भी टेस्ट नहीं कर सकते थे तो सब कुछ राम भरोसे पे ही था। तो क्या बन रहा है सर? बटन दो प्यासा। फिर हमने शाम को क्या पहनना है अपने कपड़े निकाल के आयरन करवा लिए ताकि लास्ट मिनट पे डिसाइड करने में टाइम वेस्ट ना हो। फिर हमने जोहर की नमाज़ पढ़ी जो कि दोपहर की नमाज़ होती है जिसका टाइम 12:30 से 3 बजे तक होता है। और फिर हम लग गए वापस कुकिंग पे। सुबह से हमने पानी पिया होता है तो दिस इज वेरी नाइस जूस फॉर आफ्टर इफ्तार। और मसरूर बनाने वाले हैं अपना स्पेशल स्प्राउट सैलेड जो कि मसरूर की एक्सपर्टीज है और आपको दिखाएंगे बनने के बाद। फिर हमने शाम की नमाज़ पढ़ी जो कि असर की नमाज़ होती है। गाइस, जिन लोगों को नहीं पता उनको हम बता दें कि हमें दिन में 5 टाइम अलग अलग टाइम पे नमाज़ पढ़नी होती है। अब हम बनाए जा रहे हैं मिंट कूलर ड्रिंक जो कि हमारी करंट फेवरेट ड्रिंक है, मिंट एंड लेमन। और गाइज, हम लोग कुकिंग सिर्फ स्टील के बर्तनों में करते हैं बिकॉज नॉनस्टिक बहुत अनहेल्दी होता है। कास्ट आयरन, मिट्टी का बर्तन और स्टील आर द हेल्दीएस्ट फॉर कुकिंग, इसलिए वी डोंट यूज नॉनस्टिक एनीमोर। और हमने बीच में जल्दी से टेबल भी लगा के रेडी कर दी उन लोगों के आने से पहले। स्प्राउट सैलेड इज ऑलमोस्ट रेडी और अब बारी है मेरी चना चाट की जिसमें कि अब मैं ऐड करूँगी बहुत सारी वेजिटेबल्स। और गाइस, जब कोई आ रहा होता है तो काम का पता ही नहीं चलता बिकॉज इतना मज़ा आ रहा होता है, इतनी एक्साइटमेंट होती है सारी चीज़ें बनाने की तैयारी में कि आप वो पूरा प्रोसेस बहुत ही इंजॉय करते हो। बिकॉज अगर इतना काम और इतनी कुकिंग हमें अपने लिए करनी पड़े तो हमारा तो बैंड बज जाए। और इफ्तार करने के बाद हम लोगों ने बढ़िया गपशप लगाई चाय पे और फिर हम लोग बात कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे अपने नए घर की डेकोरेशन के बारे में। और अब आपको दिखाते हैं कि हमने इफ्तार के लिए क्या क्या बनाया था। एंड आई एम श्योर गाइज, ये सब देख के आपके मुंह में पानी तो जरूर आ रहा होगा क्योंकि मेरे तो आ रहा है। और गाइज, मगरिब की नमाज़ के लिए ज़्यादा वक्त नहीं होता इसलिए हम लोग 10 मिनट में रोज़ा खोल के और जल्दी से नमाज़ के लिए खड़े हो जाते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आराम से सुकून से खाते हैं अपनी पूरी इफ्तारी। फिर हम लोग आराम से बैठ के बातें करते रहे और अपनी इफ्तारी भी खाते रहे साथ साथ में। फिर हमने उनको अपने घर का पूरा होम टूर दिया, हालांकि अभी हमारा होम डेकोर का प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है बट हमने उनको नॉर्मली लेआउट और रूम्स कितने बड़े हैं वो सब दिखाया। फिर हम लोग टेरिस पे गए वॉक करने के लिए ताकि जो इतना खाया है उसको थोड़ा हजम कर सकें।
दिस इज अस। हेलो एवरीवन, वी आर एंजॉयिंग द डिलीशियस फूड स्टार्टिंग फ्रॉम इफ्तार एंड वी हैड गुड सैलड्स, पकोड़े, पास्ता वाज सुपर यम। And now we are enjoying the dinner. In dinner we have mutton, dal makhni, roti, rice and good kebabs. It's lovely and very tasty food. Yes, thanks to the host. They have been fasting the whole day but they took so much of pain to prepare such delicious food. Yes, we are glad that you guys came all the way from Abu Dhabi. Thank you so much. Thank you. So guys, now they are leaving. And we are saying bye-bye to them. Bye. 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 Hi, guys. Bye. Bye, Amazon. Bye. I'm going to my home. Abu Dhabi. हमारे फ्रेंड्स जा चुके हैं और हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को इतना सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं और इतना ज़्यादा प्यार देते हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो हम लोग को बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़कर। हम आप लोगों का दिल से थैंक यू करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, वी लव यू अ लॉट। थैंक यू। और गाइस, जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको आज के व्लॉग में दिखाएंगे रमजान मार्केट की कुछ झलकियाँ। Hey guys, तो हम आ गए हैं रमजान मार्केट में सुकल मरफा, जो कि है डेयर आइलैंड्स पे। तो आपको ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है यहाँ पे। इसकी टाइमिंग्स है रात को 8 बजे से लेके 2 बजे तक, 8 PM to 2 AM। और गाइज, हम भी आज यहाँ पर पहली बार आए हैं तो हम भी इसको आपके साथ ही एक्सप्लोर करेंगे, तो जो जो हम देखते जाएंगे वो आपको भी दिखाते जाएंगे। और गाइज, दूसरा सवाल जो आप में ज़्यादातर लोग हमसे पूछते हैं कि रमज़ान में आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, क्या उसके लिए भी कोई अलग से स्पेशल रूल है, तो डोंट वरी गाइज, ऐसा रमज़ान के लिए कोई स्पेशल ड्रेस कोड नहीं है, इट्स जस्ट नॉर्मल लाइक एनी अदर डे। तो आप जो भी पहनना चाहते हैं वो आराम से पहन सकते हैं। पर अंदर ही अंदर इतनी सारी गलियां बनी हुई हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कहां पहुंच गए, कहां से घुसे, कहां से निकले। और यहां पर एशियन फूड फेस्टिवल भी लगा हुआ था, जो कि फूड लवर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है यहां पर आके डिफरेंट डिफरेंट खाने ट्राई करने के लिए। एशियन शॉपिंग फेस्टिवल की टाइमिंग्स हैं शाम को 4 बजे से रात को 2 बजे तक। और गाइस, जो लोग भी हमसे बार बार ये पूछते हैं कि रमज़ान में यहाँ पर खाना खा सकते हैं या नहीं, या उसके ऊपर कोई फाइन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बाहर खाना खा सकते हैं। हम काफ़ी देर से अंदर चल रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि रमज़ान मार्केट कहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि इतना हमें पता है कि वो आउटडोर में लगा होता है। हेलो, हाउ आर यू? फाइनली हम पहुंच गए हैं वाटर फ्रंट एरिया पे, जहाँ पे पूरा रमजान मार्केट लगा हुआ है। काफी कुछ देर तक चलने के बाद में हमें फाइनली मिल गया। ये एक टेंट लगा हुआ जहाँ पे आपका हिना मेहंदी लगा रही है। यहाँ पे टेंट है जहाँ पे ये जो अरबिक डिश होती है इनकी लुखाइमत, ये बना रहे हैं, यहाँ पे सर्व करेंगे आपको, आप यहाँ से खरीद सकते हैं और यहाँ पे बैठ के आराम आराम से खा सकते हैं। They used to feed the goat, मुर्गो सल्लम नहीं, goat, या बकरम सल्लम। और
गाइस यहाँ पर बेस्ट चीज मुझे ये लगी कि बच्चों के लिए इतना बड़ा पूरा प्ले एरिया दिया हुआ था जहाँ पर बच्चे अपना बिजी रहेंगे, और बड़ों के लिए बैठने के लिए बीन बैग मजलिस बनाई हुई थी जहाँ पर वो लोग बैठ के अपना खा पी सकते हैं और एंटरटेनमेंट शोज एंजॉय कर सकते हैं। और गाइस तो हम यहाँ पर आए थे एक्सप्लोर करने रमजान मार्केट को, हम फर्स्ट टाइम आए थे कि लेट्स सी देखते हैं क्या होता है वहाँ पर कैसी है। तो गाइस रमजान के वक्त में हम लोग बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और घर की शॉपिंग करते हैं, कपड़ों की शॉपिंग करते हैं, तो आजकल बाहर जाके शॉपिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम लोग घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। तो एक वेबसाइट है रजीम नाम से जो कि बहुत अच्छे डील्स प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन। तो ऑलमोस्ट 500 टॉप ब्रांड्स के साथ में इनका टाई अप है जहाँ पे आपको ये लोग कूपन कोड प्रोवाइड कर सकते हैं, और साथ में 100 प्लस फिजिकल स्टोर्स में भी जाके आप इनके कूपन्स यूज़ कर सकते हैं। तो मिजान के लिए कपड़ों की शॉपिंग कर रहे हैं हम ऑनलाइन, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैं रिजीम कूपन्स को यूज़ करके एक अच्छी डील क्रैक करूँगा, और दिखाते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो वेबसाइट पे जाके आपको जिस भी साइट से शॉपिंग करनी है उसका आप लिंक खोल दें, फिर दिए गए सारे कूपन लिस्ट में से जो भी कूपन आपको सही लगता है वो आप चूज़ कर लें। उसके बाद आप वेबसाइट पर जाएँ और अपनी मनपसंद की शॉपिंग कर लें। चेकआउट के टाइम पर आप कूपन वाली जगह पर कूपन कोड डाल के कूपन रिडीम कर सकते हैं। तो फिर रेजीम की हेल्प से एंजॉय करें डिस्काउंटेड शॉपिंग। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द चैनल, और अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और ज्यादा ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।